और मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ एसपी ऑफिसर आप कैसे बन सकते हो, आप एसपी का पोस्ट कैसे प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए किन किन कठिनाइयों और रास्तों पे आपको जाना पड़ेगा, किन किन राहों से निकलना पड़ेगा और क्या काम करना पड़ेगा। आपने बहुत सारी वीडियो सर्च करी होगी, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, लेकिन उसमें प्रॉपर तरीके से बताया नहीं जाता। तो इस वाली वीडियो में कंप्लीट और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, एक एक टॉपिक ध्यान से सुनना और समझना, जब भी आपको पता चलेगा आप एसपी कैसे बन सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड वीडियो। ये बताते हुए कि आप एसपी ऑफिसर कैसे बन सकते हो। तो पहले तो हम बात कर ले एसपी की फुल फॉर्म के बारे में, जो कि है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब बात कर ले एसपी कैसे बने। पुलिस विभाग में एसपी दो तरीके के माध्यम से आप बन सकते हैं, यानी दो तरीके के एग्जाम देकर आप एसआई इंस्पेक्टर बन सकते हैं। एसपी एग्जाम डिटेल, इसमें से पहला यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और दूसरा यानी पीएससी स्टेट पब्लिक सिविल कमीशन। इस दोनों एग्जाम के माध्यम से आप एसपी बन सकते हैं। यूपीएससी को पास करने के बाद आप आईपीएस के पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं, 5 साल के बाद आप एसपी बन जाएंगे। वैसे ही पीएससी का एग्जाम दिलाकर आप डीएसपी का पोस्ट मिलने के बाद, डीएसपी की पोस्ट पर हासिल करने का 10 से 15 साल के बाद आप एसपी बन सकते हैं। यानी कि एसपी बनने के लिए आपको पहले तो यूपीएससी द्वारा नियुक्त करे गए सिविल सर्विस परीक्षा को आपको उत्तीर्ण करना पड़ेगा। अभी तक की बातों से आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि आप एसपी जो है वो डायरेक्ट नहीं बन सकते, आपको या फिर यूपीएससी आपको देने के बाद एग्जाम, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस को एग्जाम को देने के बाद, जो आप 5 साल आप उसमें जॉब करने के बाद आप एसपी बन सकते हैं। और वैसे जैसे आपको बता दिया, पीएससी का एग्जाम देने के बाद, डीएसपी बनने के बाद आप जाके वहां पे 10 से 15 साल के बाद आप एसपी बन सकते हैं। तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि आप डायरेक्टली नहीं बन पाएंगे। एसपी बनने के लिए शिक्षक योग्यता, इसके लिए भी कई सारी निर्धारित शिक्षक योग्यता है। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, जब भी जाके आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, मतलब ग्रेजुएशन होना आपका कंपल्सरी है। एज फॉर एसपी, पुलिस अधीक्षक बनने के लिए आपको कुछ उम्र सीमा रखी गई है जो निर्धारित करी गई है। तो पहले कि आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी में अधिक से अधिक आपको 32 साल तक दी जाती है, और उसके बाद ओबीसी में आपको 35 साल की दी जाती है, और आपको जो एससी और एसटी कास्ट है वो 37 साल की दी गई है। अधिक से अधिक उम्र सीमा। एसपी बनने के लिए शारीरिक योग्यता, जिस तरह पुलिस विभाग में कुछ फिटनेस और मेडिकल योग्यता होना जरूरी है, वैसे ही एसपी में भी आवश्यक है। इसके लिए उम्मीदवार को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। एसपी बनने के लिए आवेदक की बात करें लंबाई की, तो 165 सेमीमीटर होना चाहिए, और छाती की बात करें तो 50 सेमीमीटर होना जरूरी है। महिलाओं की लंबाई की बात कर ले तो 150 सेमीमीटर होना चाहिए। एसपी की चयन प्रक्रिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यूपीएससी दौरान आपको एग्जाम पैटर्न निकालने का, देन आप आईएसपी बन सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यूपीएससी को एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो कि प्रीलिम्स एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू, हिंदी में संक्षेप करें तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तो पहले बात कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा सबसे पहले लिया जाता है, जब प्रारंभिक परीक्षा में पास कर लेते हैं तब उन्हें मुख्य परीक्षा में भेजा जाता है। प्रीलिम्स एग्जाम में पास करने के लिए आपको सामान्य ज्ञान की बहुत ही ज्यादा नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में आपको सामान्य ज्ञान बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। अब बात कर ले मुख्य परीक्षा की, जो कि उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा में पास होने के बाद आपको मुख्य परीक्षा में भेजा जाता है, जो काबिल उम्मीदवार होते हैं, जिसमें आपको 9 पेपर के सवाल पूछे जाते हैं, जो कि करीब 5 से 7 घंटे का होता है। प्रारंभिक परीक्षा 33% अंक के साथ पास होते हैं। उम्मीदवार को कई सारे एग्जाम में बैठने का अवसर प्रदान किया जाता है। मुख्य परीक्षा में 6 तरह के प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको होता है अंग्रेजी भाषा और भारतीय भाषा, निबंध, सामान्य ज्ञान, और आपको विषय के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको फोटो दिख रही होगी आपके स्क्रीन पे, आप आराम से देख सकते हो।
सामान्य अध्ययन पेपर 1 200 अंक, सामान्य अध्ययन पेपर 2 200 अंक, सामान्य अध्ययन पेपर 3 आपको 200 अंक, सामान्य अध्ययन पेपर 4 200 अंक आपको दिए जाते हैं। सामान्य हिंदी 150 अंक का होता है, निबंध 150 अंक का होता है। आपको मैं लास्ट में एक चीज और बताने वाला हूँ, बहुत ही क्रिटिकल आपको बात बताने वाला हूँ, साइकोलॉजी वाली बात है, निबंध के बारे में एक ज्ञान देने वाला हूँ, मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगा। अब बात कर ले हम इंटरव्यू की। इंटरव्यू होता है कि जो आपको उम्मीदवार जो आता है, जो जिनने मेन एग्जाम और प्रीलिम एग्जाम क्लियर किया है, उनको आपको साक्षात्कार में बुलाया जाता है उनके डॉक्यूमेंट के साथ। उसमें आपको कुछ सवाल जवाब करते हैं कुछ लोग, जिसमें आपको मार्क्स दिया जाता है 200 से 250 अंक का होता है। उसमें आपको मार्क्स दिए जाएंगे, लिखे जाते हैं बोर्ड पे कि आपने कितना आपको गेन किया है उस चीज को लेकर। एसीपी की सैलरी की बात कर ले तो आपको 15,000 से लेकर आपको 40,000 तक पर मंथ मिल सकता है। ग्रेड पे 7,600 के हिसाब से आपको मिलता है। अब हम थोड़ा बात कर ले एसीपी के कार्य के बारे में। एसपी बनने के बाद आपको उस निर्धारित जिम्मेदारी के साथ आपको बिठा दिया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वाली जिम्मेदारी आपको प्रदान की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आपके वो कार्य कौन से होते हैं जो आपको दिए जाते हैं। जिला के सभी थानों की गतिविधियां और उन थानों में दर्ज होने वाली जानकारी निगरानी एसपी के दौरान ही किया जाता है। अगर सड़क अभियान में ट्रैफिक बढ़ गया है तो उन ट्रैफिक को नियंत्रण करना भी एसपी का ही कार्य होता है। जिले के अंदर होने वाले सभी समारोह या रैली या मीटिंग के दौरान सारा कार्य जो देखता है वो एसपी देखता है। जिले में होने वाले सारे गैर कानूनी गतिविधियों को भी रोकना एसपी का ही कार्य है। यानी कि एक जिले के सही रूप में संचालित करने का लिए या फिर गैर कानूनी गतिविधियों को साथ साथ उनके जिले का अच्छी तरीके से मैनेज करने का, कानूनी गतिविधियों को मैनेज करने का हर कार्य एसपी के पास ही होता है। अब सबसे पहले हम बात कर ले अपनी तैयारी को हम इम्प्रूव कैसे करें, मतलब हम पढ़ाई कैसे करें। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा होता है आपके पास यूज करने के लिए, जो कि आप ऑनलाइन वेबसाइट या फिर ऑनलाइन ट्रैफिक पे आप सोर्स को अप्लाई कर देते हो पूरे आप नेट को। तो मैं आपको प्रॉपरली ये बताऊंगा कि आप उसको कहीं और यूज करने से अच्छा यही है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लो या फिर ऑनलाइन स्टडी करो। आपकी बहुत सारी क्लासेस है अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आप यूट्यूब पे अवेलेबल है, ऑनलाइन आपको प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप अवेलेबल है जो आपको पढ़ा सकते हैं, टीच कर सकते हैं। यूपीएससी से दौरान आपको आईपीएस से दौरान हर एक चीज से दौरान आपको एग्जाम पे पैटर्न मिल सकते हैं। मैंने जैसे आपको लास्ट में बताया था कि बात कर ले निबंध की, तो निबंध की टॉपिक एक तरह से मैं आपको बताता हूं, ये मैं एक शॉर्ट में भी डाल दूंगा। अब जैसे कि मान लो एक टॉपिक होना चाहिए हमारे जिंदगी के अंदर जो निबंध लिखने के लिए, जो कि कोई सी भी गैस कर लो, आपने गैस कर लिया कुछ नहीं, उसके ऊपर आप 1,000 लाइनें लिखनी है आपको, 1,000 लाइनें मतलब कि वर्ड्स लिखने हैं 1,000। आपको 1,000 वर्ड्स लिखने में आप सोच लो कि एटलीस्ट कितना वक्त लगेगा और क्या क्या लिख सो एक कुछ नहीं के ऊपर आपको 1,000 वर्ड्स लिखने हैं। देन आप अगर 1,000 वर्ड्स लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद आपको उससे 200 अंक में लेके जाना है। 200 अंक मतलब 1,000 अंक में बहुत सारी चीजों को पढ़ने के बाद आपको सारांश निकल के 200 अंक में लिखना है। फिर आपने जो 200 अंक में निबंध लिखा है, जो 1,000 वर्ड्स का था वो आपने 200 वर्ड्स का करा है, वही आप 100 वर्ड्स का करने की कोशिश करो। आप जितना कम करोगे उसे, उसको आपको माइंड को इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। आप सोचोगे कि हाँ इस चीज को मैं कम कर सकता हूँ। आप जैसे कम करना सीख जाओगे ना, तो वैसे ही आप ज्यादा लिखना भी सोच लोगे, क्योंकि हम जितना कम लिख पाते हैं उतना ही ज्यादा सोच पाते हैं उस चीज को। जब भी हम कम लिख पाते हैं, जैसे कि मान चलो पेपर में हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन को हम कभी भी पूरा नहीं लिखते और ना ही भी कोई टॉपर कोई से कंप्लीट लिखता है, उसे आधा ही लिखता है। लेकिन उस टॉपर को याद जरूर रहता है कि वो पूरा क्या है, लेकिन वो आधा इसलिए लिखता है ताकि उसे पता है कि उसे क्या लिखेगा, तो उसे पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो निबंध बहुत ज्यादा मायने रखता है आपको यूपीएससी के अंदर या फिर हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। तो अगर यहाँ तक वीडियो बने हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, और कमेंट करके ये जरूर बताना आप कहाँ से बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, जैसे मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपकी लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत है। जितना सब्सक्राइब कर सकते हो उतना सब्सक्राइब कर दो, जितने लोगों तक पहुँच रही है पहुँचाओ भाई। थैंक यू सो मच। I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done now.
नमस्कार।